इसका न्यू एमआरपी है 1975 और इसका पार्ट्स नंबर है 1100 KTC A20S। फ्रेंड्स, ये हीरो ग्लैमर गाड़ी की राइट साइड की जेन्युइन क्रैंकेस हैं, तो इसको करेंगे आज चेंज। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसको क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो ड्रेड नाट है वहाँ से इसका स्लिप कर गया था। फ्रेंड्स, ये इसका न्यू क्रैंकेस है और यहाँ पर इसका ऑयल पम्प लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं। देखिए, इसका जो ऑयल सक्शन फिल्टर होता है यहाँ पर लगती है, और ये देखिए यहाँ पर जो डेड नट है यहाँ से टूट गया था, और इसीलिए इसको ऑल्डिंग बोल्डिंग का कुछ झमेला ना लेके इसको डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि इंजन को फुल फिटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो हाफ़ इंजन का बैलेंसिंग स्टिक होता है ये दोनों को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को इसको निकालना नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे दोनों 12 नंबर की नाट ले लेंगे और इसके ऊपर में ऐसे करके फंसा लेंगे, और फिर 12-13 नंबर की दो चाबी लेंगे और ये दोनों को जाम नट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों चाबी से इसको जाम नट कर देना है, और इसको आसानी से नीचे वाला नाट को ढीला करते जाएंगे तो आसानी से ये खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोग ये कमेंट करेगी कि इंजन ओपन करते हुए वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका भी वीडियो मैंने शूट किया था, मगर जो गलती से इसका वीडियो मेरे हाथ से डिलीट हो गया है, तो इसीलिए ये वीडियो डाल नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, बाद में और एक इंजन आने वाला है, उसका फुल डिटेल से वीडियो बनाएंगे और उसका फुल रिस्टोरेशन भी होगा गाड़ी का। तो उसका कंप्लीट एक सीरीज़ आने वाला है, उसमें दिखाया जाएगा कैसे हीरो पैशन प्लस का इंजन को फुल ओपन किया जाता है डिटेल्स में, और कैसे उसको असेंबल किया जाता है, और फुल रिस्टोरेशन कैसे किया जाता है। पूरा सीरीज बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका स्टिक निकल गया है। फ्रेंड्स, बहुत सारा न्यू मैकेनिक भाई है जो लोग सोचता है हीरो होंडा ग्लैमर की इंजन को अगर फुल ओपन करेंगे तो इसका गियरबॉक्स पूरा बिछड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ये लॉक किया रहता है, ये देखिए इसमें लॉक वर्सल से लॉक किया हुआ रहता है, ये जो वर्सल ये लॉक वर्सल जैसा होता है, और ये देखिए उल्टे तरफ में ये फिक्स रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा गियर है, गियर सेट है, उसको भी चेक करवा देता हूँ। तो ये इसका जो लेयर सेट है, इसमें एक गियर खुला रहता है, एक गियर सिर्फ खुला रहता है और बाकी सारा फिक्स लॉक किया रहता है। ये देखिए यहाँ पर इसका सरक्लिप से इसको लॉक किया गया है, ये देखिए यहाँ पर लॉक किया रहता है सरक्लिप से, और उल्टा तरफ से ये जो इसका गियर है इसको लॉक वर्सल से लॉक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इसको निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकाला जा सकता है, तो इसको ऐसे उल्टा तरफ से चोट मारेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए इसमें एक बूस लगा हुआ है, तो आपको ये बूस कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें एक ऐसे बूस यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और एक लॉक वर्सल, और यहाँ पर भी एक वर्सल लगा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक वर्सल लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और फिर ये गियर निकल जाती है, सिलेक्टर गियर निकल जाती है, और ये देखिए ये सैफ्ट है। कभी कभी इसको चेंज करना पड़ जाता है, इसका जो ये जो गियर का दाता है ये जब कट जाता है, गियर स्लिप करने लग जाता है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये गियर बॉक्स का जो सामान है इसको क्यों चेंज करना पड़ता है, तो ये जो इसका जो गियर चेंजर है, इसका जो दाँटा कट जाती है तब इसको चेंज करना पड़ता है, और इसका जो ये देखिए ये जो पिनियम है, पिनियम अगर बहुत ज़्यादा घस जाए और इसमें दाग पड़ जाए तो फिर भी इसको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। फ्रेंड्स, तब ये गियर्स को कैसे फिट किया जाता है, तो देखिए ये जो फिक्स गियर इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर छोटा वाला चेन स्पॉकेट लगती है, यहाँ पर छोटा वाला चेन स्पॉकेट लगती है, और ये जो फिक्स गियर है इसके ऊपर से जो ये चेंजर गियर है इसको लगाना पड़ती है।
तो ये देखिए इसका जो ऊपर में जो इसका गरारी है जो पिनियम है ये ऊपर का हिस्सा में रहेगी, और इसको ऐसे करके आसानी से फिट कर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये फिट हो चुका है। इसके बाद ये जो वर्सल है वर्सल को फिट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर वर्सल को फिट कर लेंगे, और फिर ये जो गियर है इसको फिट करेंगे। तो इसको कैसे फिट करना है देखिए, ऐसे नहीं रहेगी ये, ऐसे रहेगी, मतलब ये जो सामान वाला हिस्सा है ना ये ऊपर का तरफ रहेगी, और इसमें जो देखिए ये जो खाई वाला हिस्सा है ये नीचे का तरफ रहेगी। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like तो ये जो बियरिंग होल्डर्स इसको 10 नंबर का जो नाट है इससे फिक्स, सॉरी बोल्ट है, इससे फिक्स कर लेंगे। चलिए इसको 10 नंबर का गोटी से आसानी से इसको टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसको अच्छा से टाइट कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये बियरिंग को होल्ड करके रखता है अपने जगहों में। तो चलिए इसको अच्छा से टाइट कर लेते हैं। तो अब इंजन को फुल फिटिंग्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो शाफ्ट है ये क्लच हाउसिंग की तरफ जाएगी, यहाँ पर क्लच हाउसिंग लगती है तो ये नीचे की तरफ में रहती है। तो ये देखिए इसको कैसे फिक्स करना है आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐसे करके पकड़ लेना है, और ये देखिए रुकिए थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कैमरा को। हाँ तो ये देखिए ये ऐसे करके ये फिक्स हो जाएगी, ये देखिए ऐसे करके ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको उल्टा नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि ये उल्टा नहीं फिक्स आएगी। तो ये देखिए ये ऐसे करके आसानी से फिक्स हो जाएगी। तो चलिए अब इसको क्रैंक केस के अंदर फिट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इंजन ऑयल इसमें इसका जो वियरिंग है उसमें यूज़ कर लेंगे, और इसका गियर में भी थोड़ा इंजन ऑयल यूज़ कर लेंगे। अब इसको ऐसे करके यू ही ऐसे बिठा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से ऐसे बैठ जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये पूरा घूमेगी नहीं जब तक का इसका गियर सिलेक्टर नहीं इसमें फिट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो सिलेक्टर है देखिए इसमें जो KTCR G5 लिखा हुआ है KTCR G5 ये नीचे में जाएगी। ये जो नीचे वाला जो गियर सिलेक्टर होता है इसमें KTCR G5 लिखा रहता है और लिखा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है। और फ्रेंड्स ये जो दूसरा वाला में KTCHR लिखा हुआ है ये ऐसे करके नीचे की तरफ में लिखा वाला हिस्सा जो KTCHR लिखा हुआ है वो नीचे का हिस्सा में ऐसे करके चला जाएगी, और इसको आसानी से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और ये जो पिन है अभी इसको फिक्स नहीं करेंगे,
उससे पहले इसको फिट कर लेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा इंजन ऑयल यूज़ कर लेते हैं ताकि ये अच्छा से ल्यूब हो जाए। तो देखिए सभी नया पलवा दिया है। तो देखिए इसमें अभी बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं है, एकदम स्मूथ।
कूपर में गिरा है इंजन ऑयल वगैरह, तो सब कुछ अच्छा से मोच लेंगे। उसके बाद हल्का हाथों से ये जो रेजी बॉन्ड है हल्का हाथों से लगाना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा तक नहीं लगाना है। और बहुत लोग इसमें एनाबोंड यूज़ कर देते हैं, तो एनाबोंड फ्रेंड बिल्कुल अब यूज़ मत। पैकिंग को Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can ऐसे करके फिट कर लेना।
जब भी क्रैंक केस की बोल्ट टाइट करना चाहिए, एक इधर से, एक इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे करके अलग अलग डायरेक्शन में टाइट करना चाहिए, एक साइड से टाइट नहीं करना चाहिए। तो इससे अच्छा से पकड़ाव बनेगी और इससे लीकेज करने का चांस कम रहेगी। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।